हेलो क्लास, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट कॉमन कम्युनिकेबल डिसीजेस। सो अगर क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में अगर ये आता है कि लिस्ट डाउन द कॉमन कम्युनिकेबल डिजीजेज फाउंड इन चिल्ड्रन एंड एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट मीजल्स, मतलब कि कुछ कम्युनिकेबल डिजीजेज होती हैं जो कि चिल्ड्रंस में पाई जाती हैं। कम्युनिकेबल डिजीजेज क्या होती हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ मतलब जो कि वन पर्सन टू अनादर पर्सन स्प्रेड हो सकती है, ऐसी डिजीज़ को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, तो कुछ कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज़ देख लेते जो कि चिल्ड्रंस में दिखाई देती है। तो इसमें फर्स्ट है मीजल्स, सेकेंड टिटनेस, थर्ड है वूपिंग कफ, फोर्थ डिप्थेरिया एंड फिफ्थ है पोलियोमेलाइटिस, सिक्स ट्यूबरक्लोसिस, सेवन्थ है मम्स। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं मीजल्स के बारे में, रूबेला। तो यह एक एक्यूट और क्या है, हाई लेवल का एक इन्फेक्शन होता है, एक हाई लेवल का संक्रमण होता है जो एक विशेष प्रकार के वायरस के कारण होता है। ठीक है, अब ये क्या है, एक कम्युनिकेबल डिसीज़ है जो कि वन पर्सन टू अनादर पर्सन स्प्रेड हो सकती है। और इसका जो कॉज है वो क्या है, एक इसमें जो इन्फेक्शन होता है उसका कॉज है एक वायरस। अब उस वायरस का क्या नाम है, आरएनए वायरस ऑफ द पैरामाइक्सो वायरस ग्रुप। ये जो वायरस है ये ह्यूमन बॉडी के आउटसाइड में नहीं प्रेजेंट रह सकते हैं, मतलब ये इनका जो लाइफ स्पान होता है वो क्या है कि ये बॉडी के बाहर जो है इनका जो लाइफ स्पान है वो नहीं हो पाता है, ये उसके बाहर जो इन्वायरमेंट होता है बॉडी के बाहर उसमें ये अपने आप को एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये इसका कॉज था जो आरएनए वायरस है। तो अब सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन देखते हैं, सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन मतलब किस टाइप से ये इन्फेक्शन जो है मीजल्स ये वन चिल्ड्रन टू अनादर चिल्ड्रन ट्रांसमिट होगा। तो मीजल्स वाले जो पेशेंट्स हैं उनके जो ईसोफेगस हैं, जो श्वसन मार्ग हैं जैसे कि नोज़ है, नेक है, वहाँ से निकलने वाले जो भी इन्फेक्टिव मटेरियल्स हैं या फिर कुछ सिक्रीशंस है, जैसे अगर कोई चिल्ड्रन स्नीजिंग करता है तो वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू क्या होगा, दूसरे पर्संस में ट्रांसमिट हो जाएगा। अब पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी कितनी है इसकी, तो इसका 4 days बिफोर और 5 days आफ्टर रेसेस, मतलब ये 4 days टू 5 days में इसमें क्या है जो इसके सिम्टम्स है वो दिखाई देने लगते हैं। अब होस्ट क्या है, होस्ट मतलब ये किन एज, किस एज ग्रुप के चिल्ड्रंस को अफेक्ट करता है ना, किन में ये अफेक्टेड होता है। तो चिल्ड्रंस 8 months टू 5 year, जो 8 months से 5 year के जो चिल्ड्रंस होते हैं ये उनमें मेनली देखा जाता है। अब इसका टाइम देखते हैं, टाइम ड्यूरेशन मतलब ये किस टाइम में होता है, विंटर में होगा, समर में होगा, है ना, किस जो सीज़न है किस सीज़न में ये ज़्यादा देखने मिलता है। तो सर्दियों में और गर्मी में ख़त्म होने के टाइम, स्प्रिंग में, विंटर में ज़्यादा ओवरक्राउडेड जगह पर ज़्यादा स्प्रेड होने के चांसेस रहते हैं। जैसे अभी विंटर टाइम चल रहा है तो ये विंटर टाइमिंग में ज़्यादा स्प्रेड होते हैं। ठीक है, इनक्यूबेशन पीरियड इसका कितना होता है, 10 days टू 14 days, इसकी जो रेंज है वो 8 to 16 days है, मतलब इतने टाइम तक के ये रहता है। अब इसके सिम्टम्स देख लेते हैं, हमने देख लिया कि मीजल्स क्या होता है और ये किस एजेंट के कारण, किस बैक्टीरिया वायरस के कारण फैलता है, तो इसमें आरएनए वायरस है जिसके कारण ये फैलता है। इसके सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन जो हमने देखे कि ये जो भी हमारे जो हमारे जो ईसोफेगस है, जो भी नोज़ माउथ के थ्रू जो भी सिक्रीशंस निकल रहा है या इन्फेक्टिव जो भी मटेरियल्स है, या फिर हम नॉर्मली अगर स्नीजिंग भी करते हैं तो जो इन्फेक्टिव मटेरियल्स निकलता है वो अगर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू सामने वाले पर्संस के क्या है उसको कॉज कर देता है, जो सामने वाला पर्सन से वो भी मीजल्स से सफ़र करता है। अब इसका जो पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी देखा हमने कि 4 to 5 days में ये अराइज होता है, इसमें रैसेस दिखाई देते हैं।
होस्ट अब ये किन किस एज ग्रुप के पर्संस को अफेक्ट करता है, तो 8 मंथ टू 5 ईयर के जो एज ग्रुप के जो चिल्ड्रंस हैं उनमें ये मेनली दिखाई देता है। अब इसका टाइमिंग देखा हमने कि मेनली ये विंटर में दिखाई देता है, क्योंकि ओवर और ज़्यादा जहाँ पे ओवर क्राउडेड एरिया होता है वहाँ पर ये स्प्रेड होता है। देन हमने इनक्यूबेशन पीरियड देखा, इसका 10 टू 14 डेज होता है। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं कि अगर मीजल्स अगर चिल्ड्रंस में कॉज होता है तो जो साइन सिम्टम्स दिखाई देंगे वो क्या होंगे। तो फर्स्ट ऑनसेट इज सडन, क्या होता अचानक से क्या होगा, बहुत कम समय पर सडन और सीवियर अटैक होता है इसका। सेकंड जो सिम्टम्स दिखाई देगा वो क्या होगा, कॉर्जिया होगा, जुकाम होगा, प्रूलेंट डिस्चार्ज होगा, हेडेक होगा। ठीक है, प्रूलेंट डिस्चार्ज मतलब क्या होगा, कुछ इन्फेक्टिव मटेरियल्स क्या होंगे बॉडी से एक्सक्रीट आउट होने लगेंगे नोज़ के थ्रू, माउथ के थ्रू। ठीक है, सिक्रीशंस। इसके साथ हेडेक भी होगा, कंजक्टिवाइटिस होगा, मतलब कंजक्टिव जो हमारा कंजक्टिवा होता है आइज में उसमें इन्फ्लामेशन होगा, देन फोटोफोबिया होने लगेगा। देन अब क्या है, जो नोज़ है और जो आइज है वहाँ से क्या होगा, वाटरी सिक्रीशंस होने लगेगा, जो आँख और नाक से पानी आने लगेगा, खांसी होगी, कफ होगा, है ना, छींक, स्नीजिंग, कभी कभी क्या होता है जो लैरिंग्स होते हैं उसमें क्या है इन्फ्लामेशन भी हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लैरिंजाइटिस। और जो वॉइस है, जो आवाज़ है चिल्ड्रंस की, वो भारी हो जाएगी, जिसका कारण कंजेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन होगा। कैसे, अब ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस होता है हमारे जो ट्रैकिया है, ईसोफेगस है, कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस अगर हमारे गले में होता है तो क्या होगा, उससे हमारी वॉइस पे अफेक्ट पड़ता है और हमारी जो वॉइस है वो ऑब्स्ट्रक्शन के कारण थोड़ी भारी भारी आती है। फिफ्थ पॉइंट, किसी किसी पेशेंट में माउथ की म्यूकस मेम्ब्रेन में छोटे छोटे वाइट स्पॉट्स दिखाई देते हैं जिन्हें किप्लिक स्पॉट कहते हैं, जो केवल मीजल्स में नहीं पाए जाते हैं, रैसेस आने के बाद ही चले जाते हैं। अब किसी किसी पेशेंट में क्या होता है, जो माउथ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे क्या होता है, कुछ वाइट स्पॉट्स, स्पॉट्स मतलब कुछ वाइट कलर के कुछ दाग दिखाई देने लगते हैं, धब्बे दिखाई देने लगते हैं, जिसको क्या कहते हैं, किप्लिक स्पॉट कहते हैं, जो मीजल्स में ही दिखाई देते हैं। अगर मीजल्स हैं, अगर मीजल्स से बच्चा सफ़र कर रहा है तभी ये सिम्टम दिखाई देंगे, और रैसेस जो है वो कुछ टाइम के बाद क्या होंगे, प्योर हो जाएंगे। ठीक है, सिक्स पॉइंट देखते हैं, फर्स्ट एड टेम्परेचर। अब इसमें फीवर आएगा, सबसे पहले कोई भी इन्फेक्शन होता है जब हमारे बॉडी में तो क्या होता है, फर्स्ट जो सिम्टम्स होता है वो होता है फीवर। फीवर इंडिकेट करता है कि बॉडी में किस टाइप का इन्फेक्शन हो रहा है। तो फर्स्ट डे में क्या होगा, टेम्परेचर जो होगा राइज होगा वो कितना होगा, 100 टू क्या होगा 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इतना टेम्परेचर जो है बॉडी का वो राइज हो जाएगा। अब थर्ड डेज में इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, फिर क्या होगा, रिपीट होगा ये, रिपीट जो फोर्थ डेज होगा उसमें फिर से टेम्परेचर राइज हो जाएगा और जो रैसेस हैं वो दिखाई देने लगेंगे। अब फोर्थ डेज रैसेस दिखाई देते हैं और सबसे पहले फॉरहेड और जो ईयर है उसके बिहाइंड में, बैक साइड में, फिर फेस में, उसके बाद पूरे ऑल ओवर बॉडी में जो इसके रैसेस है वो दिखाई देने लगेंगे। अब क्या होगा, रेड कलर का जो स्वेलिंग है वो मैकुलर दाने टाइप का होता है। ठीक है, तो अब क्या समझें कि इसमें फर्स्टली ये जुकाम दिखाई देगा, देन कुछ प्रूलेंट डिस्चार्ज होने लगेगा, कंजक्टिवा, फोटोफोबिया होगा, इसके साथ में क्या होगा, स्नीजिंग होने लगेगी, वाटर सिक्रीशन होगा, देन जो लैरिंग्स है उसमें इन्फेक्शन होगा, है ना, और कुछ कंजेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन हो जाएगा जिसके कारण जो वॉइस है वो बहुत हैवी हैवी आने लगेगी। देन जो पेशेंट के जो माउथ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, फिफ्थ पॉइंट देख रहे हैं हम, जो पेशेंट की जो माउथ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें कुछ स्पॉट्स दिखाई देंगे जिसे हम किप्लिक स्पॉट कहते हैं। ये सिम्टम्स मीजल में ही पाए जाते हैं और रैसेस जो है वो कुछ टाइम के बाद चले जाते हैं। अब फर्स्ट डे ऑफ टेम्परेचर में जैसे कि इन्फेक्शन जो है जब भी कॉज होता है बॉडी में, तो फर्स्ट जो सिम्टम्स होता है इसका फीवर होता है, तो जब फीवर आएगा तो उसकी जो डिग्री होगी वो होगी 100 टू 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब क्या होगा, फर्स्ट डे फीवर आया, फिर
सेकेंड डे रहेगा, थर्ड डे तक क्या होगा, फीवर कम हो जाएगा। उसके बाद फिर से फोर्थ डे फिर से अराइज हो जाएगा, फिर से जो टेम्परेचर है वो बॉडी का हाई हो जाएगा और रैसेस भी दिखाई देने लगेंगे। ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि मीजल्स होने पर दिखाई देते हैं। अब फोर्थ डे में जो रैसेस दिखाई देंगे, टेम्परेचर हाई होगा, तो ये फॉरहेड जो होता है हमारा उस साइड में जो ईयर के बिहाइंड में है ना, और फिर धीरे धीरे क्या होगा, पूरी ऑल ओवर बॉडी में सिम्टम्स दिखाई देने लगेंगे और जो रेड कलर्स के जो जो रैसेस हैं वो भी दिखाई देने लगेंगे। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये रैसेस फेड होने लगेंगे और वन वीक में क्या है, ये चले जाएंगे। अब टेम्परेचर भी इसके साथ साथ धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। मतलब ये है कि इन्फेक्शन कॉज तो होता है, ये एक ट्रीटेबल डिसीज़ है जो कि एराइज भी होती हैं, ये डिसीज़ होती है और साथ में इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो ख़त्म होने के बाद ही अपने आप क्या होती है, क्योर हो जाती है। अब इसकी मॉर्टेलिटी देखते हैं क्या होता है, 10-30%। अब इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस होंगे मीजल्स होने पर, तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं इसमें, ब्रोंको निमोनिया। अब इसमें क्या है, यह मीजल्स का एक मोस्ट कॉमन और इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन होता है जो कि डेथ का कारण बन सकता है। ब्रोंको निमोनिया अगर होता है तो जो ब्रोंकाइटिस है, जो हमारे जो ब्रोंकियल्स हैं वहाँ पे क्या होगा, इन्फेक्शंस कॉज होंगे, जो चिल्ड्रन है उसको निमोनिया हो जाएगा है ना, जो पस का फॉर्मेशंस होने लगेगा, तो क्या होगा, ये एक डेथ का कारण बन सकता है। देन गैस्ट्रोएंटेराइटिस। अब इसमें क्या होगा कि जो इन्फेंट्स हैं, या तो वो 2 साल के हैं या 2 साल से कम उम्र के हैं, तो उनमें ये ज़्यादा देखने मिलेगा है ना, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट है उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। देन कंजक्टिवाइटिस और कॉर्नियल अल्सर। कंजक्टिवाइटिस मतलब जो कंजक्टिवा है वहाँ पे इन्फ्लामेशन होने लगेगा और जो कॉर्निया है वहाँ पे अल्सरेशन फॉर्म होने लगेंगे। देन फोर्थ पॉइंट, ओटाइटिस मीडिया और मास्टॉइडाइटिस। तो ओटाइटिस मीडिया में जो भी बैक्टीरिया है उसके कारण क्या होगा, हमारे जो मिडिल लेयर ऑफ ईयर है उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा और जो मास्टॉइड है वहाँ पे भी क्या होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। देन स्टोमेटाइटिस हो जाएगा है ना, जो लिप्स है, जो टंग है, हमारा माउथ है, वहाँ पे भी इन्फ्लामेशन होने लगेंगे। देन 6th पॉइंट, इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इंसेफेलोमेलाइटिस यह बहुत ही रेयर पाई जाती है ना, इन्फ्लामेशन हो जाएगा ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड्स में पाया हो जाएगा। देन डायरिया हो सकता है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब हम देखते हैं ट्रीटमेंट, कि इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। मीजल्स का ट्रीटमेंट जो है, स्ट्रिक्ट आइसोलेशन। मतलब क्या करना है, जिस चिल्ड्रन को मीजल्स हुआ है हमें क्या करना है, उसे जो क्राउडेड एरिया है वहाँ से हमें उसे आइसोलेट कर देना है ना, दूर कर देना, उसे सेपरेट करके रखना है। देन सेकंड, वेल वेंटिलेटेड रूम। एक ऐसे रूम में बच्चे को रखना है जो कि वेल वेंटिलेटेड हो, मतलब वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन प्रेजेंट हो, अच्छे से जो विंडोज़ हैं वो भी ओपन हो, अच्छी प्योरीफाई जो एयर्स हैं वो वहाँ पे एंट्री कर सके। थर्ड है केयर ऑफ डाइट। हमने क्या करना है, हमें उसकी डाइट की क्या करना है, प्लानिंग करनी है और उसे प्रॉपर डाइट देनी है। देन रेस्ट, उसे रेस्ट करवाना है, स्लीप भी होनी चाहिए उसकी प्रॉपर, बॉयल्स आई एंड माउथ। अब फोर्थ, सीधी सनलाइट से रोगी को दूर रखना है। हमें क्या करना है, बच्चे को ऐसी जगह पर नहीं रखना है जहाँ पे डायरेक्टली सनलाइट आए, तो हमें क्या करना है, एक रूम में सेपरेट करके बच्चे को रखना है। अब रेस्पिरेशन को वॉच करते रहना है, मतलब रेस्पिरेशन रेट देखना है हमें कि उसमें किसी भी टाइप का कोई चेंजेस नहीं आए। अगर कोई चेंजेस आता है रेस्पिरेशन रेट में या फिर ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी अगर कुछ होती है, तो हमें क्या करना है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, बच्चे को डॉक्टर को दिखाना है। 6th पॉइंट है, एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन सबसे अच्छी ड्रग है। मतलब अब इन्फेक्शन होता है तो हम इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स देते हैं, तो उसके लिए जो ड्रग है वो पेनिसिलिन हम दे सकते हैं। देन ईयर को वॉच करते रहना है, पेन डिस्चार्ज और पीछे की तरफ स्वेलिंग हो तो मास्टॉइडाइटिस हो सकती है। अब क्या है, हमें ईयर की तरफ वॉच करना है, क्योंकि क्या हो रहा था, ईयर के जो बैक साइड का जो पोर्शन है वहाँ पर क्या हो रहा था, इन्फ्लामेशन रेसेस आ रहे थे, तो
कुछ डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, कुछ स्वेलिंग तो नहीं आ रही है, तो हमें ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। और जब तक बुखार बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता तब तक हमें कंप्लीट बेड रेस्ट देना है, ठीक है। जब तक बच्चे का पूरा फीवर जो है रेड्यूस नहीं हो जाता, एक नॉर्मल टेम्परेचर नहीं हो जाता बच्चे की बॉडी का, तब तक हमें उसे बेड रेस्ट करवाना है। देन प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। अब प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट में क्या होगा, मीजल्स वैक्सीनेशन, इसकी कुछ वैक्सीन्स लगाई जाती हैं जो कि मीजल्स पर वर्क करती हैं। वैक्सीनेशन से 96% कवरेज हो जाता है। इसके लिए कुछ वैक्सीन्स यूज़ की जाती है जो कि मीजल्स के लिए लगती है बच्चों को, तो इससे जो है 96% जो है इसमें इफ़ेक्ट दिखाई देता है। मीजल्स वैक्सीन जो है एक फ्रीज ड्राइड एक उत्पाद होता है, मतलब इसको क्या करते हैं हम फ्रीजिंग करके रखते हैं जो वैक्सीन है। अब इस हीट स्टेबल वैक्सीन को 2 to 8 degree centigrade पर 2 ईयर तक के स्टोर कर सकते हैं। अब जो ये वैक्सीन आता है मीजल्स का, इसको हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं कितने 2 ईयर तक, बट इसका जो टेम्परेचर जो होना चाहिए वो हमें कितना मेंटेन करना है 2 to 8 degree centigrade। अब जब बच्चा 9 month का हो जाता है तब मीजल्स वैक्सीन दिया जाता है। जो हम जो वैक्सीन लगाते हैं मीजल्स की, वो बच्चे की जो एज ग्रुप है वो 9th month में देते हैं, जिसमें मीजल्स का भी लगता है, विटामिन ए की ड्रॉप भी देते हैं हम उसे, है ना। तो हमें क्या करना है 9 month में बच्चे को मीजल्स की वैक्सीन लगवानी है। अब इसकी जो क्वांटिटी है वो 0.5 ml होती है और जो रूट है वो है सबक्यूटेनियस रूट, जो कि 45 degree angle पर हम लगवाते हैं। वैक्सीनेशन के बाद 11 से 12 दिन में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। अब इससे क्या होगा, इम्यूनिटी पावर डेवलप हो जाएगी और जो इन्फेक्शन है उसके अगेंस्ट हमारी इम्यूनिटी वर्क करके क्या करेगी, उसको किल कर देगी। ज़्यादातर इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग मिल जाती है। इसे डाइल्यूटिंग फ्लूड जो डिस्टिल्ड वाटर है इसमें डाइल्यूट करने के बाद 4 to 8 degree centigrade पर हमें टेम्परेचर पर रखना है। अब इसमें कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होंगे, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होंगे, प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में हम ये वैक्सीन्स को कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं। एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस है अगर, है ना, टीबी से अगर सफ़र कर रही है अगर मदर, या स्टेरॉइड्स या किसी टाइप के कुछ इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स ले रहे हैं, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए अगर कोई ड्रग्स चल रहा है, कोई मेडिकेशन चल रही है या कुछ स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, तो क्या करना है, हमें इस वैक्सीन को कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करना है। देन ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के बाद 6 weeks तक नहीं देना है। अगर प्रेजेंट टाइम में ही अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करवाया है तो उसके 6 weeks तक के हमें क्या करना है, ये वैक्सीन्स नहीं देनी है। अब वैक्सीन्स का उपयोग वायल खुलने के 4 hours के बाद नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो है ख़राब हो जाती है तो इसे डिस्कार्ड करना होता है। तो हमें क्या करना है, वैक्सीन्स का हमने वायल जब ओपन किया तो उसके 4 hours के अंदर ही हमें इसका यूज़ करना है। देन हमें क्या करना है, इसको स्टोर करना है। एडवर्स इफ़ेक्ट ऑफ वैक्सीन्स। अब इसके कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट दिखाई देंगे, कुछ टॉक्सिक इफ़ेक्ट दिखाई देंगे, तो वो क्या होंगे, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम TSS। इसमें क्या होगा, जो वाटरी डायरिया वोमिटिंग्स वगैरह होने लगेगी, ठीक है। बच्चे की बात कर रहे हैं तो वैक्सीन बच्चे को जब हमने लगाई तो इसमें अगर कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट देखे जाते हैं तो वो होते हैं कि बच्चे को डायरिया होने लगता है, वोमिटिंग होने लगती है, और इसके अलावा हाई फीवर होने लगता है। अगर जो मेडिसिन है वो कंटामिनेटेड हो तो जो वैक्सीनेशन के कुछ टाइम बाद क्या होगा, इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। इसमें 48 hours तक के जो अंडर के जो शिशु जो होते हैं, मतलब न्यू बॉर्न बेबीज जो होते हैं, उनकी डेथ भी हो सकती है। देन कंट्रोल मेजर्स। अब इस कंडीशन में हम क्या कंट्रोल मेजर्स यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट ऑनसेट ऑफ रैश के बाद रोगी को 7 days तक के आइसोलेट करना है। अब जैसे ही हमें सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं कि बच्चे में रैसेस दिखाई दे रहे हैं, तो हमें क्या करना है, उसको 7 days के लिए सेपरेट कर देना है, ठीक है, सबसे आइसोलेट कर देना है। सेकंड जो पॉइंट है, संपर्क में आए बच्चों का इम्यूनाइजेशन एक्सपोजर के 2 days के अंदर हो जाना चाहिए। अब जो भी
चिल्ड्रंस उसके कांटेक्ट में आए हैं उस बच्चे के, उन्हें भी क्या करना है, 2 डेज़ के अंदर उन्हें इम्यूनाइजेशन एक्सपोजर मतलब उन्हें भी वैक्सीन लगवानी है और उनको क्या है चेक करना है। देन अगर वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो तो इम्यूनोग्लोबिन 0.25 ml पर kg ऑफ बॉडी वेट दे। इसे एक्सपोजर के 3 से 4 डेज़ के दिनों के अंदर देना जरूरी है। देन फोर्थ है, इपिडेमिक के टाइम पर प्रमोट इम्यूनाइजेशन करें ताकि ज़्यादा स्प्रेड होने से बचा जा सके। ठीक है, तो ये मीजल्स हैं जो कि हमने इसमें अभी डिस्कस किया। मीजल्स क्या होता है हमने देखा, उसकी डेफिनेशन देखी, देन हमने उसके कॉजेज देखे कि जो एजेंट है, जो बैक्टीरिया वायरस है वो कौन सा वायरस उसे अफेक्ट कर रहा है। उसके बाद हमने देखा कि इसके सिम्टम्स क्या क्या दिखाई देंगे अगर मीजल्स बच्चे को हो रहा है। उसके बाद में हमने इसके प्रिवेंशन भी देखे कि प्रिवेंशन हम क्या कर सकते हैं। देन हमने इसमें वैक्सीनेशन का बताया कि वैक्सीनेशन कैसे करना है, कौन सी वैक्सीन कितने 9 मंथ में चिल्ड्रंस को दी जाती है। देन हमने कंट्रोल मेजर्स देखे। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डील करते हैं। सो थैंक यू क्लास।